लो फिर आ गए। तुमको क्या लगता था कि नहीं आएंगे? नहीं, गलत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। महासंग्राम कृषि के कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट लेके आया है महासंग्राम। आज के महासंग्राम की शुरुआत मैं एक शंखनाद जैसे एक लाइन से करना चाहूंगा कि कहते हैं, किसी ने कहा है कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। तो आइए शुरू करते हैं आज के सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के महासंग्राम को। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं गणित के त्रिकोणमिति यानी ट्रिग्नोमेट्री के कुछ ऐसे सवाल जो आपके कक्षा 12 के बोर्ड में अचूक सिद्ध होंगे। उन सवालों को अगर आपने पढ़ लिया तो त्रिकोणमिति यानी ट्रिग्नोमेट्री से आने वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे छूटेंगे नहीं। तो बने रहें हमारे साथ। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप नए हैं तब भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें जिससे आपके दोस्त भी इस महासंग्राम का हिस्सा बन सकें। तो आइए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। पहला क्वेश्चन है, साइन माइनस 60 का मान क्या है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन माइनस 60? साइन माइनस 60 की वैल्यू क्या होती है? तो देखिए, एक फॉर्मूला होता है, मैंने फॉर्मूला इसके पहले की एक वीडियो में मैंने फॉर्मूले की वीडियो बनाई है और उसमें सभी फॉर्मूलों को समझाया है। तो अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो की लिंक दी जाएगी, आप वहां से वो वीडियो को देख सकते हैं। तो पहले फॉर्मूले वाली वीडियो देखें उसके बाद इस वीडियो को देखें। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है साइन माइनस 60 का मान क्या होगा? तो मैंने बताया था साइन माइनस थीटा जो होता है वो होता है माइनस साइन थीटा। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू 60 दी हुई है तो हो जाएगा साइन माइनस 60 इज इक्वल टू माइनस साइन 60, दैट इज सॉरी यहाँ पे साइन 60 होगा। तो साइन 60 की वैल्यू हम सब जानते हैं क्या होती है, रूट 3/2। तो माइनस साइन 60 की क्या हो जाएगी, माइनस ऑफ रूट 3/2। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, माइनस रूट 3/2 यानी ऑप्शन डी। ऑप्शन डी फर्स्ट का ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है। सेकंड में आते हैं, टेन माइनस 90 की वैल्यू पूछ रही है। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, टेन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस टेन थीटा, टेन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस टेन थीटा। तो यहां पे पूछ रहा है 90, तो टेन माइनस 90 इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस टेन 90। अब हम जानते हैं टेन 90 की वैल्यू क्या होती है, इन्फाइनाइट होती है। तो यह क्या हो जाएगी, माइनस इन्फाइनाइट, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। फिर इसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा। हमने आपको फॉर्मूले वाली जो वीडियो बनाई थी उसमें बताया था साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। तो यहां पे पूछा है आपसे कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। फिर इसके बाद है सेक 90 माइनस थीटा, sec 90 माइनस थीटा क्या होता है, हमने बताया था sec 90 माइनस थीटा cosec थीटा होता है, sec 90 माइनस थीटा क्या होता है, cosec थीटा। तो चलिए अब आगे देखते हैं, आगे के क्वेश्चंस देखते हैं क्या है। अच्छा सॉरी, यहां पे sec 90 माइनस थीटा है इंटू साइन थीटा भी है, sec 90 माइनस थीटा इंटू साइन थीटा, sec 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, cos sec थीटा, cosec थीटा इंटू साइन थीटा भी है। अब देखिए cosec थीटा को क्या हम लिख सकते हैं, 1/sin थीटा लिख सकते हैं, 1/sin थीटा इंटू साइन थीटा है ही, तो साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू बचेगी 1। तो इसका ऑप्शन बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा, sec 90 माइनस थीटा cosec थीटा इंटू साइन थीटा भी है, तो साइन थीटा को इंटू करेंगे, cosec थीटा को लिख सकते हैं 1/sin थीटा इंटू साइन थीटा, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा। होप आपको समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, तो यह है क्वेश्चन नंबर 5। टेन माइनस 150 की वैल्यू पूछ रहा है, टेन माइनस 150 की वैल्यू क्या होती है? तो देखिए, हमने जो टेबल पढ़ी है वो टेबल तो हमने 90 तक ही पढ़ी है,
लेकिन उसके अलावा भी कुछ वैल्यूज हमें याद रखनी पड़ेगी, जैसे tan माइनस 150, तो tan 150 की जो वैल्यू होती है वो होती है माइनस ऑफ 1/√3, माइनस ऑफ 1/√3। अब चूंकि यहां पे माइनस लगा दिया तो tan माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता है, तो इसमें माइनस का एक फिर एक बार फिर से इंटू हो जाएगा, तो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब ऑप्शन सी इज दी करेक्ट ऑप्शन। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, यदि a प्लस b इज इक्वल टू 90 हो तो निम्नलिखित में से किसका मान शून्य होगा। तो देखिए 90 कब शून्य होता है, साइन साइन 90 की वैल्यू जीरो होती है क्या, हम इसके ऑप्शन से भी देख सकते हैं, ऑप्शन में साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी ऐसा करके कुछ दिया है, तो ऐसे फॉर्मूले कहां पढ़े हैं हमने, हमने पढ़े हैं साइन ए प्लस बी, क्या होता है साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो साइन 90 का अगर हम देखें, साइन 90 इज इक्वल टू जीरो होता है, साइन 90 की वैल्यू जीरो होती है ना, तो ए प्लस बी बराबर 90 है अगर, तो साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन सॉरी कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए और साइन बी साइन बी। तो साइन 90 की वैल्यू जीरो, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूत्र tan a प्लस बी इज इक्वल टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b किस त्रिभुज के लिए वैलिड है, न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, सम कोण त्रिभुज या सभी के लिए। तो यहां पे ये जो फॉर्मूला है ये सभी कोणों के लिए, सभी तरह के त्रिभुज के लिए वैलिड होता है, वेदर दैट इज न्यून कोण त्रिभुज हो, सम कोण त्रिभुज हो या अधिक कोण त्रिभुज हो। चलिए अब आगे के क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नाइन क्या कह रहा है, साइन 45 माइनस ए की वैल्यू कितनी होगी। देखिए ये एक फॉर्मूला है जो उसमें हमने ऐड नहीं किया था लास्ट वीडियो में, तो साइन 45 माइनस ए की वैल्यू अपने को याद रखना है कॉस ए माइनस साइन ए बाई रूट टू, कॉस ए माइनस साइन ए बाई रूट टू। हम इसको डिराइव भी कर सकते हैं, निकाल भी सकते हैं, लेकिन उतना बड़ा डेरिवेशन याद रखने की जरूरत नहीं है। हालांकि हम बता देते हैं कैसे कर सकते हैं, साइन ए माइनस बी का इसमें फॉर्मूला लगा देंगे और उस फॉर्मूले की जगह में जहां पे साइन 45 है तो साइन 45 की वैल्यू रखते जाएंगे और वो फिर सॉल्व होके यही चीज आ जाएगी। तो इसको डायरेक्ट याद रख लें, कॉस ए माइनस साइन ए बाई रूट टू। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, ये है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, इस फॉर्म का है, कॉस ए की जगह में 20 है और बी की जगह में 10 है, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी कब होता है, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए और साइन बी। तो कॉस ए प्लस बी करेंगे तो ए इज इक्वल टू 20 एंड बी इज इक्वल टू 10, तो क्या हो जाएगा कॉस 30, ए इज द करेक्ट आंसर। फिर इसके बाद देखते हैं, यदि साइन थीटा इज इक्वल टू 4/5 हो तो कॉस 2 थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो कॉस 2 थीटा की वैल्यू अब कैसे पता करेंगे, इसके लिए हम जानते हैं राइट एंगल ट्रायंगल एक बनाएंगे, ठीक है, इसको लेंगे थीटा, ये एंगल होगा 90 डिग्री का। अब देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, इसमें लंब क्या है, ये वाला लंब 4 मान लेते हैं, कर्ण क्या है 5 मान लेते हैं, आधार निकाल लेंगे। हमने आपको एक ट्रिक बताई थी एल ए एल बटे के ए, लाल बटे कक्का, ये होता है साइन का, ये होता है कॉस का और ये होता है टेन का। साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण, कॉस क्या होता है, आधार बटे कर्ण, टेन क्या होता है, लंब बटे आधार। तो इससे आधार निकालेंगे, क्या लगाएंगे, पीजीटी लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कर्ण का वर्ग मतलब 5 का वर्ग बराबर लंब का वर्ग मतलब 4 का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, इसको x मान लेते हैं, x का वर्ग, तो ये क्या हो जाएगा 25, 4 का स्क्वायर 16 होगा, इसको इधर ले आएंगे माइनस 16 बराबर x स्क्वायर।
25 में से 16 का है कितना बचा? 9 बराबर एक्स स्क्वायर, दोनों तरफ का स्क्वायर रूट ले लेंगे तो 9 का स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा बराबर x, x की वैल्यू क्या आ गई 3, आधार कितना आ गया 3। cos 2 थीटा निकालेंगे अब cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, हम जानते हैं cos 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए यहां पे 1 माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा की वैल्यू क्या है 4/5, 4/5 का होल स्क्वायर, इसको कर लेंगे सॉल्व तो हो जाएगा 1 माइनस 2 इंटू 4/4 = 16, 5/5 = 25। अब देखें ये हो जाएगा 1 माइनस 16 दूनी 32/25, इसका एलसीएम लेंगे एलसीएम आएगा 25, ये हो जाएगा 25 माइनस 32 बटे 25 रहेगा ही। अब 25 में से 32 को माइनस करेंगे, कैसे माइनस होगा यार, ये तो छोटा है ये तो बड़ा है, माइनस होगा लेकिन वैल्यू किस में आएगी, माइनस में आएगी, तो माइनस 7/25। हमने आपको बताया था जब कभी भी इस तरह का जोड़ या घटाना आए तो हमेशा बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा दो और बड़े वाले का चिन्ह लिख दो, तो बड़ा वाला क्या है 32, 32 का चिन्ह क्या है माइनस, तो माइनस 7/25 ये आ गया ऑप्शन डी। मैं आपको बता रहा हूँ ये जो क्वेश्चन हम करा रहे हैं एज इट इज बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, तो बने रहे हमारे साथ, मजा ना आए तो पैसा वापस कर देंगे हम, वैसे भी हम पैसा ले नहीं रहे हैं फ्री में पढ़ा रहे हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए cos 15 का मान पूछ रहा है, cos 15 की वैल्यू क्या होती है, 15 के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखिए 15 को हम क्या लिख सकते हैं 45-30 = 15 होता है हम जानते हैं, तो cos 15 को क्या लिख सकते हैं cos 45-30 मतलब क्या cos a माइनस बी, cos a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है cos a cos b प्लस sin a sin b, ये होता है cos a माइनस बी का फॉर्मूला, लगा देंगे तो हो जाएगा cos 45 इंटू cos 30 प्लस sin 45 इंटू sin 30। सबकी वैल्यू हमें पता होती है, किसकी क्या होती है cos 45 की वैल्यू क्या होती है हमें बिल्कुल पता है, टेबल हमने बनाई थी, टेबल में आपको बताया था लिखवाया था, सबकी वैल्यू रखेंगे cos 45 की, cos 30 की, sin 45 और sin 30 की, इन सबकी वैल्यू रखने के बाद जो हमें लास्ट में फाइनल आंसर मिलेगा वो हमारा होगा, मैं फाइनल आंसर आपको बता देता हूं, आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, तो इसका आंसर होगा √5 + 1/4। इसके आगे का आप सॉल्व कर सकते हैं बिल्कुल, cos 45 की वैल्यू आप टेबल से देख लेंगे, गुणे cos 30 की वैल्यू आप देख लेंगे, फिर sin 45 की वैल्यू देख लेंगे और sin 30 की वैल्यू देख लेंगे, इन दोनों को गुणा करके प्लस करके जोड़ेंगे तो आपको फाइनल आंसर ये मिल जाएगा। फिर इसी तरह से बिल्कुल सेम क्वेश्चन ये है, tan 75 बोल रहा है, tan 75, अब देखिए tan 75 मतलब 75 को 75 को हम क्या लिख सकते हैं, tan 75 को हम लिख सकते हैं tan 45 + 30, 45 + 30 बराबर 75, तो फिर से ये बन गया tan a plus b, tan a plus b का फॉर्मूला हमने बताया था आपको क्या होता है, वहां से ये फॉर्मूला लगा के आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 2 + √3। देखिए अगर इसको भी सॉल्व करके बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा खिंच जाएगा, है ना, तो इसलिए मैं इसको पूरा सॉल्व नहीं करता हूं, इसको आपको बता दिया हूं कैसे सॉल्व करना है, 75 को लिख सकते हैं 45 + 30, हमने पिछली वीडियो में आपको फॉर्मूला बताया हुआ है tan a plus b का फॉर्मूला क्या होता है, आप उसमें जाके सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, ये पूछ रहा है sin 75 और cos 75, इसमें भी बिल्कुल वही सेम ट्रिक है, 75 को क्या लिख देंगे 45 + 30 को लिख देंगे, आप बड़े आराम से कर सकते हैं इसको, साइन ए प्लस बी बन जाएगा और कॉस
ए प्लस बी बन जाएगा। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला हमने बताया है, कॉस ए प्लस बी का भी फॉर्मूला बताया है। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो फाइनल आंसर जो आएगा इसका 2 प्लस रूट 3 बाई 4 आएगा। क्या आएगा? 2 प्लस रूट 3 बाई 4। क्वेश्चन नंबर 17 बिल्कुल एज इट इज है। इसमें भी क्या करेंगे, 45 है, 45 को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 45, तो एक बन जाएगा कॉस ए माइनस बी का। दूसरा क्या लिख सकते हैं, 45 माइनस 30 लिख सकते हैं, तो ये 15 बन जाएगा। तो ये भी बन जाएगा साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला। ठीक है, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला और साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है वो अगर आपको नहीं पता है तो आप इसके पहले वाली वीडियो को देखें और उससे सॉल्व करें। अगर फिर भी नहीं आता है, सलूशन नहीं आता है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि सर इस क्वेश्चन का हमारा सलूशन नहीं आया है, तो हम आपको उसका सलूशन भी प्रोवाइड करवाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, 2 cos 40 डिग्री इंटू 50 डिग्री, सॉरी इसकी वैल्यू पूछ रहा है, 2 cos 40 डिग्री इंटू 50 डिग्री इसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखें, एक फॉर्मूला होता है 2 cos a cos b, क्या होता है फॉर्मूला 2 cos a cos b का, वो फॉर्मूला हमने आपको बतलाया हुआ है। आप वहां से इसको सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आएगा cos 10 डिग्री, cos 10 डिग्री। तो आपको ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। अगर सलूशन नहीं आ रहा, मैं फिर से आपको बोल रहा हूं, अगर सलूशन नहीं मिल रहा है तो आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि सर इस क्वेश्चन का सलूशन नहीं आया है, हम आपको सलूशन प्रोवाइड कराएंगे। तो क्या होगा, 2 cos a cos b का फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले से इसको सॉल्व करना है। फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, 2 sin a sin b, 2 sin a sin b का भी एक फॉर्मूला होता है, ऑप्शन इसके फॉर्मूले के फॉर्म में ही दिए हुए हैं, तो इसको भी फॉर्मूले वाली वीडियो को देखेंगे और फॉर्मूला चेक करेंगे 2 sin a sin b का कौन सा फॉर्मूला होगा। तो होता है cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी, cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 भी बिल्कुल सेम है पहले वाले के जैसा, जैसा हमने देखा था, साइन 75 प्लस साइन 15, तो 75 को अपन क्या लिख सकते हैं, हमने अभी देखा है क्या, 45 प्लस 30, 15 को क्या लिख सकते हैं, 45 माइनस 30, इसको लिख देंगे 45 प्लस 30, इसको लिख देंगे 45 माइनस 30। तो देखिए साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, तो यहां से फॉर्मूला लगाएंगे और फॉर्मूला लगा के इसका आंसर निकालेंगे, तो जो आपका फाइनल आंसर आएगा वो आएगा रूट 6 बाई 2। इसको ही सॉल्व करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 21 देखें। 21 में क्या बोल रहा है, कॉस 60 डिग्री प्लस थीटा और प्लस कॉस 60 माइनस थीटा क्या होगा, तो ये होगा कॉस थीटा। कैसे होगा, देखिए कॉस 60 प्लस थीटा प्लस कॉस 60 माइनस थीटा, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी क्या होगा। फॉर्मूले हमने आपको पहले ही बता चुका हूं, सारी वीडियोस में बताए हैं, उस फॉर्मूले को देखना है। और cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी इज इक्वल टू, जब इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो आएगा cos a दैट इज cos थीटा। फिर इसके बाद ये डायरेक्ट फॉर्मूला ही लिखा हुआ है, sin a प्लस sin b, तो एक फॉर्मूला होता है sin c प्लस sin d इज इक्वल टू 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू साइन सॉरी इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। तो यहाँ पे सी और डी की जगह में ए और बी है, तो ये हो जाएगा 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2। फिर इसी तरह से कॉस ए प्लस बी कॉस ए प्लस कॉस बी, तो हमने एक फॉर्मूला देखा हुआ है कॉस सी प्लस कॉस डी का, तो उसमें क्या होता है 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 इंटू साइन a माइनस बी बाई 2, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, 2 cos a प्लस बी बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी बाई 2, ऑप्शन c इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये थे आपके कुछ क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, इनको जिनको जिस क्वेश्चन को हमने पूरा डिटेल में सॉल्व नहीं करवाया है, आपको बता दिया है कि आपको कैसे सॉल्व करना है,
इसके पहले जो हमने मैथ की ट्रिग्नोमेट्री की वीडियो बनाई थी उसमें सारे के सारे हमने आपको फॉर्मूले बताए हैं, वो फॉर्मूले की मदद से आपको इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अगर किसी क्वेश्चन का आपका आंसर नहीं आता है, सोल्यूशन नहीं आता है या गलत आता है तो आपको कमेंट बॉक्स में हमें बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आया है, हम आपको उसका पूरा सोल्यूशन प्रोवाइड करवा देंगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, बने रहें हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंडों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, और हमारे चैनल में अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके।